हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपका अगर लैपटॉप या फिर पीसी एरोप्लेन मोड पे स्टक हो गया तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे फिक्स करना है अपने इस एरर को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एरोप्लेन मोड पर दोस्तों चला गया, जिससे वाईफाई भी नहीं चल रहा और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर नहीं चलते इसकी वजह से। तो अगर हम इस तरीके से ऑफ करते हैं इसको, उसके बाद ऑन करते हैं, तो उसके बाद ही यहाँ पर कनेक्शन आता है और आपका वाईफाई से इसके बाद कनेक्ट होता है। तो बहुत सारे सिस्टम में ये जो एरोप्लेन मोड है यहीं पर ही स्टक हो जाता है और ये इस तरीके से काम नहीं करता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस एरर को आपने कैसे फिक्स करना है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूँ कैसे फिक्स करना आपने इसको। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाना है। ये सबसे प्राइमरी और बेसिक स्टेप्स है। उसके बाद ये नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, उसके बाद यहाँ पर जाना आपको नीचे एरोप्लेन मोड, और मेक श्योर करना कि इस तरीके से ये ऑन ना हो यहाँ से। अगर इस तरीके से ये ऑन यहाँ से है तो ये एरोप्लेन मोड यहाँ से ऑन हो जाएगा, तो इसको ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से इस तरीके से। अगर ये भी यहाँ पर ग्रे आउट हो रखा है, ये भी आपके सिस्टम में काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ किस तरीके से करना आपको। उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है, आपको लिखना है सर्विसेज। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। विंडो प्लस आर भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर लिखना है आपको सर्विसेज .msc, यहीं पर ही आएंगे आप। जैसे ही ओके करेंगे आप, ये देख सकते हैं आप। आपको यहाँ पर आने के बाद रेडियो मैनेजमेंट सर्विस में जाना है, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और आर आपको दबा लेना है इस तरीके से। आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा रेडियो मैनेजमेंट सर्विस, और मेक श्योर कि ये रनिंग हो यहाँ पर इसका स्टेटस। अगर इसका स्टेटस ऑफ है तो इसको डबल क्लिक करना आपने, और इसका जो स्टार्टअप टाइप है यहाँ से ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। और इसका स्टेटस जो है दोस्तों यहाँ से रनिंग का होना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर है। उसके बाद आपको अप्लाई और ओके कर लेना है यहाँ से। अप्लाई ओके करने के बाद आपने एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेना है यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, अब इसका स्टेटस यहाँ से रनिंग हो चुका है और स्टार्टअप टाइप भी ऑटोमेटिक हो चुका है, यही होना चाहिए आपको सेम। अब यहाँ से भी आपने रनिंग कर दिया फिर भी आपका इशू सॉल्व नहीं होता, तो मैं आपको तीसरे मेथड पर लेकर चलता हूँ। आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको CMD टाइप करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना आपको, यस करना आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स चलानी है जो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको कमांड चलाने आईपी कॉन्फिग, उसके बाद स्पेस स्लैश करना आपको, और रिलीज का यहाँ पर टाइप करना आपको इस तरीके से, एंटर कर देना आपको। आपकी जो आईपी है पुरानी आईपी रिलीज हो जाएगी, और आपको नई आईपी के लिए आप रिक्वेस्ट डालनी है, तो आपको लिखना आईपी कॉन्फिग, उसके बाद स्पेस फिर सेम स्लैश और रिन्यू, इस तरीके से एंटर कर देना आपको। अब थोड़ा सा वेट करना आपको यहाँ पर आईपी मिलने का, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से आईपी मिल चुकी है मेरे को, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी कैशेज जमा होगा आपके सिस्टम में उसको क्लीन करना है, तो आपको लिखना आईपी कॉन्फिग, उसके बाद स्पेस करना आपको, स्लैश करना है फ्लश DNS, और आपको एंटर कर देना है इस तरीके से। इसके बाद आपके पास ये मैसेज आ जाना चाहिए, सक्सेसफुली फ्लश DNS रिजॉल्व कैशे। और उसके बाद आपको एक बार अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लेना है यहाँ से, एग्जिट करने के बाद आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर तीन स्टेप फॉलो करने के बाद भी आपका इशू सॉल्व नहीं होता, मैं आपको चौथे स्टेप पे लेकर चलता हूँ। चौथे स्टेप के लिए आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। ये ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का, यहाँ पर जाना आपको, क्लिक करना आपको।
इसके बाद आपने अपने वाईफाई के ड्राइवर को ढूंढना है। तो ये बेसिकली नेटवर्क अडोप्टर्स में रहता है, तो हमने नेटवर्क अडोप्टर्स ढूंढना है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से आपको अपने वाईफाई का जो ड्राइवर होता है दोस्तों वो पता होना चाहिए। तो मेरे केस में ये इंटेल आर ड्यूअल बैंड वायरलेस, वायरलेस यहाँ पर लिखा होगा मोस्टली कंप्यूटर्स में। तो आपको अपने ड्राइवर को अपडेट करना है, राइट क्लिक करने के बाद अपडेट करने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पर, ये चूज करना आपको ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, क्योंकि आपके पास इंटरनेट होगा नहीं तो ये वाला चूज करना आपको, लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स, और मोस्टली आपको ये ऊपर वाला चूज करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ही आपको रिस्टार्ट के लिए ऑप्शन दिखाएगा, तो आपको रिस्टार्ट कर लेना है आपने एक बार अपना सिस्टम, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ से भी इशू सॉल्व नहीं होता रिस्टार्ट करने के बाद भी, फिर आपको यहीं पर ही आना है, राइट क्लिक करना है प्रॉपर्टी, उसके बाद यहाँ पर पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन है, और मेक श्योर कि ये अनटिक हो इसी तरीके से। अगर इस तरीके से ये टिक है यहाँ पर आपके इस केस में, तो आपका जो वाईफाई है वो काम करना काफ़ी कम कर देगा, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ से उसको अनटिक कर देना है, उसके बाद ओके कर लेना। तो उम्मीद है दोस्तों आपका इशू सॉल्व हो गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू फिक्स टेक।